नानी क्यू को पूरी तरीके से घेर लिया है। क्यू पर हमले की तैयारी नहीं बल्कि कई दिनों से लगातार हमले हैं। क्यू में बीते दिन से सायरन की आवाज और वहां पे अलर्ट कर दिया गया है सबको कि बंकर में चले जाए। क्यू को एक तरीके से टारगेट पे ऐसे लिया गया है कि हम इतना हमला करें, चौतरफा हमला करें, इतने गोले बारूद बरसाएं कि क्यू में जो यूक्रेनी सेना है, यूक्रेनी नागरिक हैं, वो घुटने पे आ जाए, वो शर्तें मान ले किसकी, रूस की। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यू के अभेद खेले में सेंध लगाने के लिए रूस ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है, क्योंकि क्यू में अगर राष्ट्रपति भवन पर रूसी सेना का काबू हो जाता है, कब्जा हो जाता है, तो जंग खत्म मानी जाएगी। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत रूस ने अब क्यू पर ही पूरा फोकस कर लिया है। क्यू पर तीन तरफ से घेरेबंदी है, रूस ने तीन दिशाओं से क्यू पर टारगेट किया है, हमला बोला है। अब हम आपको बताते हैं आसपास के इलाके। चेर्नोबिल, किर्स्टेन, प्रलुकी की तरफ से हमला बोला जा रहा है। रूसी सेना क्यू सिटी सेंटर से सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है। पुतिन का क्यू पर जल्द से जल्द कब्जा करने का आदेश है और पूरी तरीके से काबू करने का आदेश दिया है पुतिन ने कि यहीं से हम तख्ता पलट का ख्वाब अपना पूरा करेंगे और किसी रूसी समर्थक के जरिए हम यहां से सत्ता चलाएंगे, यही पुतिन का इकलौता ख्वाब है। लेकिन यह ख्वाब कब तक पूरा होता है, इस बात का इंतजार रूस को है, पुतिन को है, लेकिन दुनिया चाहती है ये युद्ध खत्म हो जाए, शांति हो, सीज फायर हो। लेकिन क्या सीज फायर की उम्मीदें हैं? क्यू पर कब्जा करने के लिए रूस को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। पुतिन ने शायद सोचा नहीं था कि ये जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी, इसलिए अब उन्होंने क्यू का संपर्क दूसरे हिस्सों से काटने का प्लान पूरी तरीके से तैयार कर लिया है, क्योंकि दूसरे हिस्सों में संपर्क काटने की स्ट्रैटेजी यूक्रेन को पोलैंड, रोमानिया और मोल्दोवा से मदद और पोलैंड को यूक्रेन से जोड़ने वाले जतोमर पर हमला बोला है। यूएस पोलैंड और ब्रिटेन से मिलने वाली मदद जतोमर से पहुंचती है। रूसी सेना यूक्रेन की सप्लाई चेन को काटना चाहती है, उसकी पूरी कोशिश यही है कि सप्लाई चेन अगर कट जाए तो यहां पे हम काबू कर सकते हैं। युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में दो और पत्रकारों की मौत हो चुकी है। फॉक्स न्यूज की टीम पर हमला बोला गया है। क्यू के पास गाड़ी पर हमला हुआ है, ये रूसी सेना की तरफ से हमला। फॉक्स न्यूज के कैमरा पर्सन की जान जा चुकी है, दो पत्रकारों पे हमला जिसमें कैमरा पर्सन की जान चली गई है। दो और पत्रकार, यानी इससे पहले दो पत्रकारों की जान जा चुकी है। अभी बीते दिन ही हमने आपको इस तरीके से खबर दिखाई थी जहां पे तस्वीरों के साथ यूएस के रिपोर्टर की जान चली गई थी, अमेरिकी पत्रकार की जान चली गई थी और इस बीच ये कैमरा पर्सन की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो जान जोखिम में डालकर दुनिया के सामने वो तस्वीर दिखा रहे थे जो रूस तबाही मचा रहा है। लेकिन फिलहाल इनकी जान जा चुकी है। ये उसी कैमरा पर्सन की तस्वीर है, ये उसी पत्रकार की, वीडियो जर्नलिस्ट की तस्वीर है जो जान जोखिम में डालकर, जान हथेली पर लेकर काम कर रहा था, वो योद्धा बन रहा था। योद्धा बन के वो भी क्योंकि उसका काम ही है दुनिया के सामने वो तस्वीरें पहुंचाना, लेकिन फिलहाल उसकी जान जा चुकी है। मारियोपोल से डराने वाली तस्वीरें, निहत्तों पर रूस बम बरसा रहा है। यूक्रेन ये कह रहा है कि ये नरसंहार है। आईसीजे में आज नरसंहार पर बातचीत भी होनी है, कंप्लेन भी दर्ज होना है। लेकिन क्या इन बातों से असर होना है रूस पे? बिल्कुल। 21 दिन की कहानी ये है, 21 दिन की पूरी बड़ी बातें ये है कि रूस को किसी भी बात का कोई असर नहीं होने वाला है। रूस ने जो प्लानिंग तैयार की है उसी प्लानिंग के तहत वो आगे बढ़ रहा है, चाहे आप उसकी जितनी बुराई कर ले, जितनी टिप्पणी कर ले, जितना यूएन के तरफ से कुछ भी बातें आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो रूस है। खेरसौन में कब्जे के बाद पहली बार रूसी सेना का काफिला कैमरे में कैद हुआ है। इस वीडियो में रूस की सेना का वाहन तेजी से हाईवे पर जाते दिख रहा है। रूस की हर गाड़ी पर जेड लिखा हुआ है। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का सिंबल जेड रखा है और ये खेरसौन इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए एक बार फिर से हमले किए जा रहे हैं, हमले बोले जा रहे हैं। और रूस का कब्जा तो है इस इलाके में, लेकिन अगर यहाँ लोग आवाज बुलंद करते हैं या यहाँ यूक्रेनी सेना चाहती है कि हम इस इलाके को फिर से अपने कंट्रोल में ले,
तो उन्हें अभी मुकाबला करना होगा किसके साथ, रूसी सेना के साथ, क्योंकि वो चौतरफा वार कर रही है। वो इन इलाकों में भी अपनी रूसी फौज को उतारे हुए हैं जो उसके ऑलरेडी कंट्रोल में है, चाहे वो खेरसोन हो, डोनेस्क हो, लुहांस्क हो, इन सभी जगहों पे उसकी सेना इसलिए मौजूद है कि वो जिन इलाकों को काबू कर चुकी है वो सेना वो नहीं चाहती है कि उसके हाथ से जाए। और यही वजह है कि ये जो मूवमेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फौजियों की मूवमेंट की तस्वीरें, ये इसी लिहाज से है। यहाँ पे ये यूक्रेन का खेरसोन इलाका, की जांच शुरू की। वहीं रूस को कांटे की टक्कर दे रही यूक्रेन की फौज ने मारियोपोल शहर में रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया, जिसका वीडियो यूक्रेन सरकार की तरफ से जारी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि रॉकेट लॉन्चर के जरिए पहले मारियोपोल के एक इलाके में खड़े रूस के कुछ टैंकों को निशाना बनाया गया और फिर मिसाइलों की बरसात की गई। यूक्रेन के इस हमले में रूस के कई टैंकों के परखचे उड़ गए। हमले के दौरान एक टैंक से तो उसके पुर्जे इस तरह गिरते चले गए जैसे कोई खिलौना हो। रूसी फौज के टैंकों को तबाह करने के बाद की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें जिस जगह पर रूस के टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया गया वहां से धुआं उठता नजर आया। साथ ही आसमान से ली गई इन तस्वीरों में कुछ जगहों पर आग भी लगी दिखी। उधर यूक्रेन की सेना ने रूस पर जवाबी कार्रवाई से जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए ये दावा किया गया कि यूक्रेन रात के अंधेरे में भी रूसी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और सामने आए इस वीडियो में यूक्रेन की तोपें आसमान में गोले दागती नजर आई। यूक्रेन ने मिसाइल बरसाते रूस के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया और आसमान में इतने गोले दागे जिनकी गिनती कर पाना मुश्किल हो गया। इस जवाबी कार्रवाई से वो पूरा इलाका न केवल गूंज उठा, बल्कि धमाकों की रोशनी ने रात के अंधेरे को भी थोड़ी देर के लिए खत्म कर दिया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस इलाके का है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने मारियोपोल इलाके में रूस के एक और मेजर जनरल को मारने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक अब तक रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान चली गई, जिसे रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने मारियोपोल में जंग के बीच मारे गए रूसी मेजर जनरल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें जमीन पर बिखरी बर्फ के बीच उनका शव पड़ा दिखा। इसके बाद यूक्रेन के जवानों ने वहां तबाह हो चुके रूसी सेना के टैंकों की छानबीन की। उन्होंने एक एक कर दुश्मनों के हथियार और गाड़ियों की बारीकी से तलाशी ली। फिर अपने दुश्मनों के खात्मे के बाद यूक्रेन के कुछ जवान खुशी मनाते भी दिखे। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूसी सेना के मेजर जनरल विताली गरिस्मा और आंद्रेई सुकोवेत्सी के जंग में मारे जाने का दावा किया था। उधर यूक्रेन की सेना ने जंग में रूस की आर्मी के कुछ जवानों को बंदी बनाने का दावा किया। उसने बंदी बनाए गए रूसी जवानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसमें 2 जवान जख्मी हालत में जमीन पर गिरे दिखे। उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे, साथ ही उनके चेहरे पर चोट के भी काफी निशान दिखाई दिए। लेकिन तब भी यूक्रेन के सैनिक इन जख्मी रूसी जवानों से सवाल जवाब करते नजर आए। जेलेंस्की की सेना ने इसी तरह के कुछ और वीडियो भी जारी किए, जिनमें बंधक बनाए गए रूसी सैनिकों को वहां के मीडिया के सामने पेश किया गया। दावा है कि इन सैनिकों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी ही पुतिन सरकार का विरोध किया और यूक्रेन पर हमले को गलत बताया। हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी शुरू हो गई कि इन रूसी जवानों को यूक्रेन की सेना ने डराया और धमकाया और पुतिन सरकार के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया। वहीं पुतिन की चेतावनी के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देने का भरोसा दिया। 2 दिन पहले रूस ने कहा था कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने बंद नहीं किए तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे, मगर पुतिन की इस धमकी का अमेरिका पर कोई असर नहीं हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को मदद देने का अपना वादा दोहरा दिया। अमेरिका ने साफ किया कि वो रूसी सेना का सामना करने के लिए यूक्रेन को नए हथियार देगा। इतना ही नहीं, जंग में घायल सैनिकों के लिए व्हाइट हाउस पैसे भी भेजेगा। इन पैसों से सिपाहियों के लिए दवा और खाने का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन से पलायन करने वाले लोगों के लिए भी अपने दरवाजे खोलने का ऐलान किया।